हेलो फ्रेंड्स, समस्त गुड मॉर्निंग। मुझ रश्मिरंजन आपको स्वागत जनावि आपर फ्री यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम को। आज फ्री रही टारगेट 20,000 जूनियर टीचर नियुक्ति को लेकिन गोटे पेपर आर्टिकल आसत बहुत किसी कंक्रीट तथ्य आम यूँ पाइपर 1,03,436 जन कैंडिडेट रियल आप्लाय कर आउ सब केवल रजिस्ट्रेसन कर 1,23,000 थी 20,000 केवल रजिस्ट्रेसन कर देखापी के आप्लाय तो ये जो भी एतिक अप्लाई करते भितर रीअप्लाय जो मैंने करते गोटे गोटे कटो कल मुझे बहुत पिला मेसेज करते रीअप्लाय आम कटिजु कि ना आपंकर लाटेस्टा आसव तो फास्टा तो आपने कटिजी तो से रीअप्लाय एति काटिदेली जैसे रीअप्लाय आपर पुराण आप्लिकेसन गुड़ा कटिजी से आने बुझु तो भैलीड आप्लाय 75-80 आपण मैंने बहुत सारा आजमसन जोटा कि लगे 1,00,000 आप्लाय 2,00,000 आप्लाय 1,50,000 आप्लाय फास्ट भी मुझे आसे आपकी विगत आम भिडियो देखीदेवे 75-80 भितर ही आम अब्जर्वेशन थिला कि एतिक भैलीड अप्लाई हम बाहर आपर मास्टर लिस्ट आजिकल भितर आपर मास्टर लिस्ट बाहर जो फास्ट प्रिफरेन्स डिस्ट्रिक्ट को लेकिन कहीं बाहर ना केतेज भैलीड आप्लिकांट अच्छा कौ डिस्ट्रिक्टर से देखिए कौटी कौटी अप्लाई करूँ स्टेट मेरीट आपर सिलेक्शन होवार जथेष संभावना रही है अकॉर्डिंग टू ओसेपा 14 अक्टोबर एग्जाम सेंटर लिस्ट आसो मे बी से दिन आपर एग्जाम डेट भी आसीजार चानसेस रही है कि एग्जामिनेशन सेंटर आसो ओटीईटी 2023 केबे आसो से अप्लाई चान्स दे कि ना कौन अच्छी से संबंधित आज आम डिस्कसन करवा तो चलो लेट नक भिडियो को स्टार्ट करना एत पर्यंत जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करनी सहित भिडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छे आपने जॉइन करेंगे यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हो जेटी वर्तमान क्लास हो फ्री क्लास हो यूट्यूब सब नोटिफिकेशन गुड़िक टेलीग्राम हिं पाइप भिडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छे क्लिक करके जॉइन करेंगे बाकी जो मैंने स्टडी टाइम मॉक टेस्ट जॉइन करने चाहूंगे बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट अच्छी प्राइमरी अपर प्राइमरी बोथ पाई अच्छी से स्टडी टाइम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपने मॉक टेस्ट नहीं पारे तो देखो पेपर आर्टिकल ऑफलाइन आवेदन पत्र उसेपा कार्यालय हाउज ऑफलाइन अप्लाई पुणी कौन ऑनलाइन तो अप्लाई नौला पुणी ऑफलाइन अप्लाई कौन ना आपने जानते से दिन जो कोर्टर अर्डर आसाला नहींक्र जो मैंने पिटनर थे मुझे जो मैंने पिटनर अच्छा से मैंने ही केवल आप्लाय करें आपदिन भी कही मे बी आप्लाय आपर अफलाइन से ग्रहण करपारती तो आप्लाय से अफलाइन ही नहीं बुझिपारे तो से आपर दुई दिन जो आप्लाय नहीं देखी दिंतु विद्यालय गणशिक्षा विभाग तरफ 20,000 स्कीमाटिक नियुक्ति ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शेष होता बेले शेष दिन में ऑफलाइन आवेदन करने को उसेवा कार्यालय लगी छात्र छात्री भिड़ बहु संख्यार छात्र छात्री उच्च न्यायालय आदेश धरी मुझे कहली जो हाईकोर्टर अर्डर था तो सही धरिकी से ऑफलाइन अप्लाय करते हैं उसेवार एक बैठक में न्यायालय आदेश को तर्जमा करने आवेदन पत्र ग्रहण कर प्रक्रिया संध्या पर नाइट पर्यंत भी चली सूचना अनुजाई चलित वर्ष अगस्ट 31 रे प्रकाशित ओटीटी परीक्षा रे त्रुटि किसी जोड़ा कि क्वेश्चन लो भूल आंसर आईटा को लेकिन हाईकोर्ट होता आपने जानते यार समाधान हो नपार परीक्षार्थी परीक्षार्थी मैंने परीक्षा अंशग्रहण करने सुजोग देवा अपिल करते जोद्वारा कि आवेदन को सेपटे समस्त आवेदन को चयन प्रक्रिय अंशग्रहण करने को सुजोग देवाई कोर्ट निर्देश देखते कोर्ट आपको निर्देश देते पिटन मानक केवल समस्त नुह बुधवार अफलाइन आवेदन शेष दिन हो गोटे दिन में आवेदन ग्रहण करेंगे तो अलरेडी ग्रहण कर सारीपटी कोर्ट को बिना अनुमति में आवेदनकारी परीक्षा फल प्रकाशन करने को समस्त पक्ष को निर्देश देते अपरपक्ष आवेदनकारी पुनः मूल्यायन आवेदन करुवर जोटा कि रिइवालुएसन कथा कहूर कितु अधिकारी जन कौन कौन एपरी व्यवस्था ना मैंने आपर रिइवालुएसन हेनी से कोर्टर आदेश को चेज करने उसेपा तरफ गोटे मोडिफिकेशन गुरुवार उच्च न्यायालय आवेदन करा जिवो कि ये कौन आवेदन करा जिवो ना ओटीईटी 2023 से माने आनिबे ओटीईटी 2023 आनिबे किंतु 10 तारीख भितर जो मैंने ओटीईटी पास करिनांती से मानको एलिजिबल करिवो नाही ओटीईटी 2023 आपण मानकर नवंबर डिसेंबर भितर आसीबार चांसेस रही छे किंतु एटा ही आपणकर चैलेंज जोडा कि कोर्ट रे होबार अछि बाकी फास्ट कथा म आपनको किछ जिंस क्लियर कर दउ छी से दिन कोर्टे अर्डर आसाला हाईकोर्टर अर्डर आसाला मुझे भिडियो करके देते जो मैंने पिटनर से अप्लाई करेंगे आपंक से हिं कही मे बी अफलाइन आपर ग्रहण करनल से पक कहीं अनल आपर पास्ट बोली देखा जाए आपने भूल इनफर्मेसन देखने कटिजे बाक्स नहीं
तो सेवा आपर अफलाइन से आवेदन पत्र ग्रहण करछि। वर्तमान कथा हला जो माने ओटीईटी क्लियर करी बा जो माने 74 73 72 70 बा याठु कम रखी थिले तो एमाने ऑनलाइन ले अप्लाई करी चंती। तो आपण माने एटी फेक अप्लाई ही अप्लाई कले पास्ट हे नाती किंतु पास्ट बोले अप्लाई कले मे बी उसे परो जो अप्लाई कला बेले जो फॉर्म आपण माने टिक मार के डिक्लेरेशन सिलेक्ट करतन से लिखा आइ छी जदि किसी इन्फॉर्मेशन फॉल्स हुए आपण मान को ऊपर एक्शन लिया जाई पारे बा आपण मान को डिबेरेट कर दिए जाई पारे। समिति न हो सब सुजोग पांतु किंतु उसे बाद तरफ एटा अपडेट अछि तो जो माने भी अप्लाई करचन ओटीटी क्लियर नै तो सेटा रिस्क अछि। नेक्स्ट देखंतु केते अप्लाई आज पर्यंत आपणकर हेइ छी 1,36,436 आवेदन पत्र आपणकर ग्रहण करा जाय छी। सेथि मध्यरे 1,03,340 ऑनलाइन ले आउ आपण मानकर जो पिटिशनर अछन्ती तांकर 6 आवेदन पत्र ग्रहण करा जाय छी। देखंतु आवेदन पत्र होइता बेला ऑफलाइन एति ग्रहण करा जाय छी केवल बुधवार दिन लबेटी हि आगुरु 6 बुधवार दिन लबेटी तो टोटल एतिकिटी आपणकर तर्जमा करा जाय चूडांत तालिका जोटा कि आपणकर मास्टर लिस्ट लेखा जाय छी से मास्टर लिस्ट आपण मानकर पब्लिश हबो तापर आपण मानकर एग्जाम हबो। एग्जाम हे साला पर आपण मानकर जोटा कि ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट आसिबो तापर देखंतु बैठक बसिकी आपण मानकर 14 तारीख मध्यरे परीक्षा केन्द्र मध्ये घोषणा हे जीवो आपण मानकर ए अक्टूबर 14 मध्यरे कोटि कोटि एग्जाम हबो घोषणा हे जीवो तो आपण मानकर नोवेम्बर 10 रु 15 भीतर एग्जाम होबार मैक्सिमम चांसेस रहिछि तो आपण माने पढ़ा पढ़ी कंटिन्यू करंदु तो सीबीटी माध्यम रे आपण मानकर एग्जाम रहिबो। तो कथा रहिला अप्लाई 123,000 रु आपणकर मात्र 3,000 एक्चुअली पार्ट टू कंप्लीट कर बाकी पार्ट वन रजिस्ट्रेशन करी केवल देखी एप्लीकेशन के पड़ा तो या भितर जदि देखिए 3,000 आपणकर रीअप्लाय जो माने रीअप्लाय पाखापाखी करते 20,000 रीअप्लाय कर 20,000 जो रीअप्लाय कर 4,000 बोथ पेपर वाला रीअप्लाय कर माने से माने फोन पेपर वन पेपर टू दुई थर पकड़ ये के 20,000 प्लस 4,000 माने पाखापाखी आपणकर 25,000 हेजी केते ना रीअप्लाय नियरली 24 रु 25,000 आपण मानकर रीअप्लाय हेजी तो रीअप्लाय बहुत पिला कहते आम कौन रिजेक्ट हो कि आपंकर फास्ट अर्डर एडमिट कार्ड आसबनी लाटेस्ट एडमिट कार्ड आसे तो फास्ट अर्डर ओब्वियसली रिजेक्ट हम जोटा कि या भितर अच्छी तो ये 3,000 धरतु एठू जदि आप 25,000 आम 23,000 काटा पाखापाखि आपर के 80,000 आप्लिकांट आपर भैलीड रे 80,000 आप्लिकांट रू मुं ग्यारंटी सहित कहूँ पाखापाखि 5,000 मिनिमम ओटीईटी पास कर आप्लाय रही 5,000 ता भितर एनआईओएस पिला भी अच्छा इन सर्विस पिला भी जो मैंने अच्छा तो से एनआईओएस तो कोर्ट मैटर उपरे डिपेंड करे से जॉइन करेंगे कि नहीं बाकी टीचर जो मैंने निज डिस्ट्रिक्ट पाइबे से जॉइन करेंगे नहले ना तो वैलिड एप्लिकेंट जदि आपण माने देखिबे आ 5,000 काटि दियंतु ओटीटी क्वालिफाइ जो माने करि नाहंती तो 75,000 आपण मानकर टोटल वैलिड एप्लिकेंट 75,000 जो रहिले सेतिर आपणकर प्राइमरी अछि अपर प्राइमरी अछि तो प्राइमरी अपर प्राइमरी पाखापाखी 40 रु 45 प्राइमरी रहिबो तापर आपण मानकर 60 रु 55 पाखापाखी अपर प्राइमरी रहिबो तो एटाकु जदि आपण माने सेही अनुसार डिवाइड कर देबे प्राइमरी पाखापाखी आपण मानकर केते आसिबो ना 30,000 रु 35,000 भितर प्राइमरी आसिबो अपर प्राइमरी समिति जदि एठी 30 हेला अपर प्राइमरी केते ना 45 हबो जदि एठी 35 हेला अपर प्राइमरी केते 40,000 तो अपर प्राइमरी 40 रु 45 प्राइमरी 30 रु 35 तो ब्लैंक पेज रे करबा बेटर हबो एटा रहिला टोटल आपण मानकर 75 के ता भितर प्राइमरी आपण मानकर रहिले केते ना 30 रु 35 अपर प्राइमरी रही आपण मानक 40 रु 45,000 ता भितर आर्ट्स साइंस आपण मानक डिवाइड हो प्राइमरी भी आर्ट्स साइंस डिवाइड हो अपर प्राइमरी पाखापाखी 50-50 प्राइमरी आपण मानक डिवाइड हो मैंने आपण मैंने मोट उपर 15-17,000 भितर आपण मानक आर्ट्स आउ साइंस माने 15,000 आपण माने आर्ट्स पाइबे 15,000 भी साइंस पाइबे 15-17 भितर गोटे सिंगल कैटेगरी रही जाते सेमती अपर प्राइमरी पाखापाखी 14-15,000 भितर आपण अपर प्राइमरी रही चाहिए एति आपण मानक 14-15,000 आपण मानक आर्ट्स किंवा साइंस रे हला
ଟୋଟାଲ ଏତିକି। ତାପରେ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସରେ 15 ରୁ 17, ସେପଟେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରିର 14 ରୁ 15। ତା ଭିତରୁ ପୁଣି ୟୁଆର ଏସ୍ସିବିସି କେତେ ନା 70% ୟୁଆର ଏସ୍ସିବିସି ରହୁଛନ୍ତି। ୟୁଆର ଏସ୍ସିବିସି କେତେ 70% ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 15,000 ଯଦି ଆପଣମାନେ 70% କାଟିଦେବେ ତ ପାଖାପାଖି 10,000 ରୁ 12,000 ଆସିବ। 17,000 ଯଦି ନେବେ ଆପଣଙ୍କର 12,000 ଆସିବ। ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ଏତିକି, ସାଇନ୍ସରେ ବି ଏତିକି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀର ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଆସିବେ ନା 14 ରୁ 15,000, ସରି 20,000 ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଇଠି ଯଦି 40 ହେଉଛି, ଏଠି 20,000 ପାଖାପାଖି ଆସିବ। 20,000 ଭଳିଆ ଆର୍ଟ୍ ସାଇନ୍ସରେ ଆସିବ, ତା ଭିତରୁ 14 ରୁ 15,000 ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସରେ ରହିବେ, ୟୁଆର୍ ଆଉ ଏସ୍ସିବିସି। ତ ମୋଟ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ପେପର୍ ୱାନ୍ରେ ଆର୍ଟ୍ସ ହଉ କି ସାଇନ୍ସ ହଉ, ଟୋଟାଲ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବେ ଆର୍ଟ୍ସରେ ବି ସାଇନ୍ସରେ ବି 15 ରୁ 17,000, ତା ଭିତରୁ ୟୁଆର ଏସ୍ସିବିସି ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ରୁ 12,000। ପେପର୍ ଟୁରେ ପାଖାପାଖି ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 20,000 ରହିବେ, ତା ଭିତରୁ 14 ରୁ 15,000 ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଏସ୍ସିବିସି। ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ 10 ରୁ 12, ଏଠି 14 ରୁ 15। ଆପଣମାନେ ଏବେ କହିବେ ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ, ସିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅନ୍ରିଜର୍ଭରେ ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର 3,000 ଅଛି, ଆର୍ଟ୍ସରେ 2,000 ଅଛି, ପ୍ରାଇମେରୀ ବି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ବି ପାଖାପାଖି ସେଇ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। କମ୍ପିଟିସନ୍ କେତେ ନା 12,000 ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀର, ତ ପାଖାପାଖି 4:1 ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ। ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀର କେତେ କମ୍ପିଟିସନ୍? ପାଖାପାଖି 5:1 ଆପଣଙ୍କର ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀର କମ୍ପିଟିସନ୍, ବେଶୀ ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଏସ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ ବା ଆର୍ଏସ୍ଟିର କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଏସ୍ଟିର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 1,000 ଧରନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଥିଲା, 1,000 ନୁହଁ 1,000 କମ୍ ଥିଲା, ଏଇଥର କଥା କହୁଛି, ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି 30,000 ଥିଲେ। ତ ଏଇଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ କେତେ ନା 30:1 ଥିଲା, 30:1 ଏଠି ଅଛି, 4:1 ପ୍ରାଇମେରୀର, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀର 5:1, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଜବ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି ଜବ୍ ହେଇଯିବ, ତ ସେତିକି ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଓଟିଇଟି 2023 କେବେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଜେଟିଏସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଟିଇଟି 2023 ଯେଉଁଟାକି ବୋର୍ଡ଼ର କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବରରେ ଆଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପିୟରିଂରେ ଚାନ୍ସ ଦେବେନି ଜେଟିଏସ୍ରେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଜେଟିଏସ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଜେଟିଏସ୍ର ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ରହିଯିବ, ତା ସହିତ କିଛି ନ୍ୟୁ ଆଡ଼୍ ହେଇକି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଜେଟିଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଓଟିଇଟି ବାହାରିବ 2023, ତ ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଜେଟିଏସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହାରିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ସେତେ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, 50%ରୁ ଆପଣମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମାର୍କ କେତେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, 150 ମାର୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ନେଇଛି ପରୀକ୍ଷା କରିତେ, ଏତେ ବି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ 150 ମାର୍କ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆରାମସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯିବ, କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କଟ୍ ଅଫ୍ 200 କିମ୍ବା 180 କିମ୍ବା 240 ଯିବନି। ଜୋନ୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ବା ସେଗୁଡ଼ା ଧୂଆଁ ବାଣ, କିନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି 150ରୁ କମିଯିବ, ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ବି ଯିବନି। ତ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଦେଲି। ତ ଆଜି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।